हाय फ्रेंड, टेस्टी फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज कबाब और वो हम बनाएंगे सोयाबीन से। तो चलिए देख लेते हैं अपनी ये रेसिपी। यहाँ पे हमने सोयाबीन ले लिया, इसको हमने गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था। अभी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसके पानी निकाल लेते हैं, अच्छी तरीके से दबा दबा कर निचोड़ लेंगे। तो देखिए सारा हमने निचोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें हम डाल देंगे अदरक के टुकड़े, कुछ लहसुन के टुकड़े डालेंगे, हरी मिर्चे, दो कटे हुए प्याज, और इसमें हम डाल देंगे अपने सोया चंक्स और इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो देखिए ये हमने फाइन ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले मिला देंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया है पिसा हुआ लाल मिर्च, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, ये डाला हमने जीरा पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, डालेंगे इसमें टेस्ट अनुसार, नमक, और इसे अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें मैदा, और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे आरा रोट, और इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल बाइंडिंग करने के लिए हमने इसमें डाला है मैदा और आरा रोट। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम एक पेंसिल लेंगे, अब हम पेंसिल में अपना मिक्सचर लगाकर इस तरीके से लंबा लंबा हम इसको शेप देंगे। शेप हम अपने हाथों बराबर ही देंगे ताकि हम इसे आसानी से इसमें से निकाल सकें। तो देखिए इस तरीके से हम बिल्कुल फिनिशिंग शेप दे देंगे। बस इस तरीके से बहुत आसानी से ये निकल जाता है। ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम एक एक करके बनाते जाएंगे, और गरम गरम तेल में हम डाल देंगे। फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। इस तरीके से एक एक करके बनाएंगे और डायरेक्ट कढ़ाई में ही डालेंगे। बनाकर हमें इसे रखना नहीं है। और इसे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये कबाब बड़े ही अच्छे बनते हैं। तो देखिए हमारे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं, जो कि ऊपर से हैं बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से हैं बहुत ही सॉफ्ट। तो इस तरीके से कबाब बनाकर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।